नमस्कार मित्रों, सोलजनी सतयुग में आप सभी का स्वागत है। आज ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन हम जो करने जा रहे हैं, तो एक ही पर्सन की लाइफ को लगातार हम अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर उस कॉज तक पहुंच रहे हैं। जैसे हम सभी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत होती है ना। एक एरिया अगर आप हील करोगे तो कोई दूसरी प्रॉब्लम सरफेस होगी, और दूसरी हील करोगे तो तीसरी सरफेस होगी, और इसी प्रकार से पूरी कर्मा क्लियरेंस हो जाती है आपकी। आपके जितने भी कर्मास हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हैं। तो जब एक ही व्यक्ति की कंप्लीट लाइफ आप ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं, उनके अलग अलग इश्यूज़ को समझते हैं, तो आप ये भी समझ पाते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न सरफेस होती है और उसे हील किया जाता है। तो हमारे साथ है गीता, और लगातार गीता का ये चौथा पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने जा रहा है। और जब तक ये फोर्थ पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका हम करने जा रहे हैं, उससे पहले ऑलरेडी 3 पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसके हो चुके हैं। इसने अपने जीवन की 3 डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है, और उसके बेनिफिट भी वो अपनी लाइफ में ले रही है। तो गीता से हम डिस्कस करते हैं कि अब उसे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अब कौन से एरिया को हील करना चाहती है। जी गीता, आप बताओ। मेरी जो ये मतलब मुझे कंटिन्यू सर्दी जुकाम रहता है, तो उसके बेस पे मुझे पास्ट लाइफ देखनी है। तो आप मुझे ये बताओ, ये सर्दी जो है, ये जुकाम जो है, आपको कब से हो रहा है? 1 ईयर से। 1 साल से हो रहा है? इससे पहले भी रहता था कभी? नहीं। ओके। और 1 साल से कब कब और कैसे, कौन सी परिस्थितियों में ये सर्दी आपको हो जाती है? जब भी मैं पनीर या दही या कुछ भी दूध के आइटम में खाऊं, तो मुझे तुरंत सर्दी हो जाती है। और जैसे मैं केला, फ्रूट्स में केला खाऊं, तब भी मुझे जुकाम हो जाएगा। और कैसा फील करते हैं जब ऐसी सर्दी हो जाती है, तो क्या होता है आपको, कैसा फील करते हैं? मतलब बहुत बुरा फील करती हूँ, जैसे बहुत हैवीनेस लगती है। उसकी वजह से मेरा और कोई काम में ध्यान नहीं लग पाता। और क्या इसकी सफरिंग लगती है आपको? हाँ। ओके ओके। तो अब आपको लगता है कि ये सर्दी और उसके कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ। है ना। वैसे देखने जाए तो ये आम चीज़ है, बहुत सामान्य चीज़ है कि सर्दी हम सभी को होती है। हाँ। तापमान की वजह से, वेदर बदलने की वजह से, या किसी ना किसी रीज़न से, कोई एलर्जेटिक इश्यूज हो, मतलब किसी प्रकार की एलर्जी हो, तो भी सर्दी हो सकती है, है ना। तो पर्टिकुलर इसके पीछे का कॉज क्या है, क्या रीज़न है जो आप बार बार ये सर्दी आपके जीवन में आपको परेशान करती है, और वो भी पिछले 1 साल से ही ट्रिगर हुई। तो अगर आपको पिछले 1 साल से लगातार सर्दी हो रही है, तो इट मीन्स कि आप 21 साल के हुए, 20 साल तक ये सर्दी कहाँ थी और क्यों अभी ये शुरू हुई है, राइट, है ना। तो ये भी जानना ज़रूरी है, क्यों पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको कोई चीज़ हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या है। ओके। तो आप कंप्लीटली तैयार हो अपने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए? ओके, चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स योर माइंड। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दें। चाहे तो पैरों के बीच में अंतर रखें। शोल्डर रिलैक्स कर दें और चेहरे को आरामदायक स्थिति में रखें। ध्यान पूरा आपके श्वास और उच्छ्वास पर ले जाएं। एंड फील दैट विद ईच इनहेल यू आर गोइंग इनटू डीपर एंड डीपर रिलैक्सेशन। अब धीरे धीरे अपने भीतर की उस गहरी शांति में प्रवेश करते हैं। अपने भीतर की उस गहरी शांति को अनुभव कर जाएं। और शारीरिक रूप से और भी गहराई को अनुभव करने के लिए अब मैं 10 से 1 की गिनती गिनूंगी। आपकी हर एक बाहर निकलती हुई उच्छ्वास के साथ आप महसूस करेंगे आप किसी हाइट से नीचे की तरफ जा रहे हैं। हर एक स्टेप जब भी आप नीचे उतरेंगे, आप और गहराई में चले जाएंगे, पहले से कई ज्यादा डीपली रिलैक्स हो जाएंगे। विद ईच एक्सेल
आप खुद को नीचे की तरफ जाता महसूस करें। 10, 9, 8, डीपर एंड डीपर और नीचे की तरफ और गहराई की तरफ। 7, 5, 4, स्टिल गोइंग डीपर और गहराई की तरफ। 3, 2 एंड 1, आप पहले से कई ज़्यादा डीपली रिलैक्स हो चुके हैं। अब इस रिलैक्सेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मैं 3 से 1 की गिनती गिनने जा रही हूँ। हर एक नंबर को आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर 3 बार देखेंगे। आप अपने हाथों से चाहे तो उसे लिख सकते हैं, 3 3 टाइम्स उसे लिखें या देखें। 2 3 टाइम्स उसे लिखें एंड 1 3 टाइम्स लिखें नंबर 1 को। अब आप मेंटली रिलैक्स हो चुके हैं। आप शारीरिक और मानसिक रूप से गहरी शांति को प्राप्त कर चुके हैं। आपका पूरा ध्यान अपनी उस शर्ती पर, अपनी उस परिस्थिति पर ले आए जिससे आपको तकलीफ हो रही है। जब आपको जुकाम होता है आप कैसा फील करते हैं? फील दोज ऑल इवेंट्स जहां पर आप सफरिंग फील करते हैं। रिकॉल ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज इवेंट्स। वो हर एक इच्छाएं, वो हर एक चीजें जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, उस सफरिंग को रिकॉल करें और उसके साथ जुड़ी हुई आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। फील इट स्ट्रॉन्गली। एंड नाउ इंक्रीज इट, इंटेंसिफाई इट मोर एंड मोर। इस कोल्ड की फीलिंग के साथ जुड़ी हुई आपकी सभी भावनाएं, सभी सेक्रीफाइसेस या कॉम्प्रोमाइजेस या सफरिंग के अनुभव को इंटेंसिफाई करें, मल्टीप्लाई करें उसे बाय द लेवल ऑफ 2, बाय द लेवल ऑफ 5, इंक्रीज इट मोर एंड मोर, बाय द लेवल ऑफ 7, मोर एंड मोर, इंक्रीज इट मोर एंड मोर, एंड बाय द लेवल ऑफ 10। आप मैक्सिमम लेवल पर यह सफरिंग को इस समय फील करते हैं एंड इसी सफरिंग के साथ आप अपने आप को एक ब्रिज के सामने खड़ा पाएं। इस ब्रिज से नीचे नदी बह रही है और उस ब्रिज को आप देख रहे हैं। देखें ब्रिज कौन से मटेरियल से बना है। लोहे का है। ओके। आपके साथ अभी आपके इंटेंस फीलिंग्स और इमोशंस या सफरिंग मौजूद है। इसी के कॉज पर आप जा रहे हैं। 5 से 1 की गिनती गिनने जा रही हूँ। हर एक कम होते नंबर के साथ आप ब्रिज को क्रॉस करेंगे, ब्रिज के दूसरे हिस्से में जाएंगे, अपने जीवन की उन भूतकाल के अनुभव पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपकी इस सफरिंग का कॉज छुपा हुआ है। ब्रिज से चलना शुरू करें। 5, कीप गोइंग बैक एंड बैक टू द टाइम एंड स्पेस। 4, और पीछे की तरफ, भूतकाल की तरफ, समय और स्थल के पीछे। 3, कीप गोइंग बैक एंड बैक टू द टाइम एंड स्पेस, कीप गोइंग। आप ब्रिज से दूसरे हिस्से में पहुंचने जा रहे हैं, वहां के जीवन में और वहां के शरीर में आप प्रवेश करेंगे। 3, 2 एंड 1, आप ब्रिज के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। खुद को ग्राउंडिंग करें, जमीन पर अपने दोनों पैर रखें एंड अपने शरीर को फर्मली फील करें और नीचे नजर करें जमीन कैसी है। ट्रस्ट द इंप्रेशंस विच आर कमिंग टू यू। जमीन कैसी है
मिट्टी की। उस मिट्टी की जमीन पर आपके दोनों पैर पड़ते हैं। देखिए पैरों में क्या पहना हुआ है। ट्रस्ट योर इंप्रेशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पैरों में क्या पहना हुआ है? पैरों में कुछ नहीं पहना। खुले पैर हैं। ओके। अपने शरीर से फॉर्मली जुड़ जाएं, अपने शरीर को पूरे तरीके से महसूस करें। पैरों से ऊपर की तरफ नजर लाएं, अपने कपड़े महसूस करें। कमर से नीचे के कपड़े कैसे हैं? ब्लू कलर का मैंने शॉर्ट पहना है। ओके। और व्हाइट कलर का शर्ट है। ओके। मैं मेल में हूँ। ओके। अपनी आंखों को, चेहरे को देखें, स्किन का रंग देखें। यस। स्किन का रंग अच्छा है। आंखों का रंग काला है। ओके। इस समय आपकी उम्र क्या है? 5 साल। ओके। 5 साल के बच्चे के रूप में आप खुद को देख रहे हैं। अपने आसपास देखें, क्या कोई लैंडस्केप, कोई बिल्डिंग्स, कैसा नजारा है अपने आसपास? कोई घर, मकान आपके आसपास क्या है? देखें। छोटा सा गांव है। ओके। क्या आप अकेले हैं यहाँ पर या आपके साथ और भी कोई मौजूद है? बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ओके। आप क्या कर रहे हैं? देखें। मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ। इस समय आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। ओके। ओके। अपने शरीर को, अपनी फीलिंग्स को अनुभव करें। क्या इस समय आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहां पर कोई नेगेटिव फीलिंग हो? या आप कंप्लीटली हैप्पी फील करते हैं? हैप्पी फील करते हैं। ओके। आपका घर किस तरफ है? आगे बढ़े, खुद को अपने घर में पाएं, ताकि आप अपने मम्मी पापा और अपने जीवन को जान पाएं। 1, मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। 2 एंड 3। कहाँ पर हैं आप? अपने घर के बाहर। ओके। घर कैसा है देखें? घर मिट्टी से बना हुआ है। ओके। यस। घर के अंदर प्रवेश करें। देखें घर में कौन कौन है। यस। मेरी दादी। ओके। और कौन दिखाई दे रहा है? और कोई नहीं। ओके। क्या आप जानते हैं आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं। ओके। अपने आप को कुछ समय और आगे ले जाएं, उस स्थान पर पहुंचें जहां पर आपके परिवार के सभी सदस्य बैठकर खाना खा रहे हो, जहां पर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को देख पाएं, उनकी जानकारी ले पाएं। 1, 2, मूव टू द नेक्स्ट इवेंट एंड 3। कहां पर हैं आप? घर के अंदर। क्या उम्र है आपकी इस समय? 6 साल। आपके आसपास देखे कौन है? कोई नहीं है। मैं और मेरी दादी बैठ के खाना खा रहे हैं। ओके। ओके। दादी के साथ आप कैसे महसूस करते हैं देखें? बहुत अच्छा। ओके। क्या आप अपने माता पिता के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आगे बढ़े जीवन में? हुँ।
मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए दादी के पास। ओके ओके ठीक है। 6 साल की उम्र से अब कुछ साल और आगे बढ़ें और अनुभव करें आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। क्या आप कोई एजुकेशन लेते हैं या आप सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं। आगे बढ़ें। 1, 2 एंड 3 मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। कहाँ पर हैं आप? यस कहाँ पर हैं आप? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओके, खुद को 6 साल की उम्र पर रखें। 6 साल की बच्ची के रूप में आप खुद को अनुभव कर रहे हैं। यहाँ से आप अपने जीवन की किसी भी एक नेक्स्ट इवेंट पर पहुँचें जहाँ पर आप अपने बारे में जानकारी ले पाएँ। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। 1, 2 एंड 3 बी देयर। कहाँ पर हैं आप? मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। ओके, क्या आप यहाँ पर अकेले हैं? मेरे साथ मेरे दोस्त है। क्या उम्र है आपकी? 6 साल ओके, क्या अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। ओके एक कुल्फी वाले का इंतजार। ओके आगे बढ़ें। यस वो अंकल आएंगे तब हम खाएंगे कुल्फी। ओके मैं मेरी दादी के पास पैसा लेने जा रहा हूँ। ओके मेरी दादी मुझे ना बोल रही है मत खा तू बहुत खाता है। मैं दिन में 6 कुल्फी खाता हूँ। ओके ओके आगे बढ़िए। वो पैसा नहीं दे रही। ओके हाउ आर यू फीलिंग? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आगे बढ़े और देखिए क्या करते हैं आप। मैं वापस दोस्तों के पास जाता हूँ। अंकल से मांग रहा हूँ मैं कुल्फी। अंकल बोल रहे पैसा लेके आ। वो मुझे कुल्फी नहीं दे रहे। मेरे सारे दोस्त खा रहे कुल्फी। मैं रो रहा हूँ। ओके अंकल चले गए। मैं भी कहीं दूर जा रहा हूँ। एक बड़ा सा पहाड़ है। मैं वहां पे जा रहा हूँ। क्या आप अकेले जा रहे हैं? हाँ ओके आगे बढ़े। कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यस क्या विचार और क्या फीलिंग्स हैं? एक्नॉलेज करें उसे। मुझे पैसा नहीं दिया कुल्फी खाने के लिए। मैं ओके रो रहा हूँ। ओके आगे बढ़े और देखिए क्या करते हैं आप। मैं वहां पे बैठा हूँ और नीचे सारे घरों को मेरे गांव को देख रहा हूँ। यस मेरा एक दोस्त है मेरे साथ। वो मुझे बोल रहा है चल घर पे।
मैं तुझे कुल्फी खिलाऊंगा, पर मैं नहीं जा रहा। ओके वो भी चला गया, वो बोल के गया तेरी दादी को लेके आता हूँ। ओके मैं बहुत रो रहा हूँ बैठ के। तू यस वो अंकल ने मुझे गुल्फी नहीं दी। ओके ओके आगे बढ़कर देखें कि आप अपने घर जाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। 1, 2, 3 हाँ, मेरी दादी आई मुझे लेने, मुझे हाथ पकड़ के ले जा रही है। मैं ना बोल रहा हूँ मैं नहीं आऊंगा, वो लेके जा रही है मुझे। बोल रही है कल तुझे खिलाऊंगी, चल। ओके ओके इस पूरी घटना का आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के साथ क्या संबंध है देखें। समझ में नहीं आ रहा। ओके आगे बढ़कर देखें। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। अब अपने जीवन में और क्या अनुभव करते हैं। मूव फॉरवर्ड। 1, 2 एंड 3 मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। कहाँ पर हैं आप मैं घर के अंदर सोया हूँ। इस समय। आपकी उम्र क्या है। 7 साल ओके यस क्या अनुभव कर रहे हैं आप। मेरी तबीयत सही नहीं है, ओके मुझे बहुत कफ हो गए हैं। ओके यस आगे बढ़ें अनुभव करें। मैं बहुत वॉमिट कर रहा हूँ, मेरी दादी मेरे मुंह में से कफ निकाल रही है, मुझे दवाई पिला रही है, ओके डांट भी रही है। मैंने बहुत कुल्फी खाई है। वो एक डॉक्टर को बुलाने जा रही है। ओके ओके सोया हूँ, ओके ओके अब आप अपने जीवन की आखिरी क्षणों पर पहुंचेंगे और अनुभव करेंगे आप इस जीवन को किस उम्र में समाप्त कर रहे हैं। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। अपनी मृत्यु के समय पर पहुंचे। 1, 2 एंड 3 आप डेथ बेड पर हैं। देखें आपकी उम्र क्या है मृत्यु के समय। 8 साल ओके ओके अनुभव करें इस समय आपकी मृत्यु कैसे हो रही है। मृत्यु कैसे हो रही है। मेरे शरीर में बहुत कफ हो गए, ओके उसकी वजह से वो निकल नहीं सकते। क्या आप अनुभव कर सकते हैं आप कितने साल बीमार रहे हैं कितने समय तक बीमार रहे हैं। 1-1.5 साल तक। ओके हाउ आर यू फीलिंग। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। ओके ये कब आपके शरीर में आपको कहाँ महसूस होता है।
चेस्ट में। चेस्ट में, ओके। कैसी फीलिंग है इसकी? बहुत हैवीनेस है। क्या उसे आप महसूस कर पाते हैं? हाँ ओके। क्या पछतावा हो रहा है आपको? क्या विचार आ रहे हैं? देखें, मैं इतनी कुल्फी नहीं खाता तो मुझे ऐसे नहीं होता। डू यू फील दैट? यस ओके। आपकी ये अवस्थाएं और ये सफरिंग आपकी वर्तमान जीवन को कैसे इफेक्ट कर रही हैं? वर्तमान जीवन में मैं दूध दही ये सब खाऊंगी तब हो रहा है। ओके। अब आप अपने जीवन की आखिरी सांस लेंगे। मृत्यु के समय आपका विचार क्या है? आपका अनुभव क्या है? पूरे जीवन को अनुभव करें और मृत्यु के समय का आखिरी विचार, 1, 2, 3। आपकी मृत्यु हो रही है, आखिरी विचार, आखिरी सांस। व्हाट इज योर लास्ट थॉट? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये कफ की वजह से। मैं ओके ओके। एंड नाउ आपकी मृत्यु हो चुकी है, अनुभव करें, एक्सपीरियंस योर डेथ। मेरी दादी बहुत रो रही है। ओके। क्या फ्रॉम दिस सोल स्टेट आप शरीर को देख पा रहे हैं? यस। ओके। हाँ हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत बुरा लग रहा है। ओके। आगे बढ़कर देखें, आपके आसपास लाइट है या डार्कनेस है? लाइट है। ओके। आपके इस पूरे जीवन की क्या बिलीफ सिस्टम है? क्या बिलीफ बनाई है आपने? यस। अपनी बिलीफ को समझिए। क्या बिलीफ बनाकर जा रहे हैं आप यहां से? किसी की बात सुनना, क्या इस चीज में आप गिल्ट महसूस करते हैं? हाँ क्या नेगेटिव बिलीफ बनाई है आपने? अपने जुकाम को लेकर, अपने कफ को लेकर आपकी क्या नेगेटिव बिलीफ है? ये मैं गुलफिन इतनी नहीं खाता तो मुझे कफ नहीं होते। मेरी दादी की बात मुझे सुननी चाहिए थी। मैं चला गया, वो अकेले रह गए, उनका कोई नहीं है। हाँ ओके ओके। आप अपनी दादी को देख सकते हैं? उनकी आंखों को देखें, उनकी आंखों को देखकर पहचाने। यह सोल आपकी करंट लाइफ में आपके आसपास मौजूद है? हाँ मेरी नानी थी। ओके ओके। ये आपकी नेगेटिव बिलीफ आपकी करंट लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रही है देखें। अगर मैं ठंडा खाऊंगा या मैंने कुल्फी ज़्यादा खाई जिससे मुझे जुकाम हो गया, ये आपकी नेगेटिव बिलीफ आपकी करंट लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रही है? जैसे मैं कुछ भी ठंडा दही वगैरह खाती हूँ तो मैं ये सोच के ही खाती हूँ। ओके। कि मुझे कफ हो जाएगा। हाँ ओके। सो डू यू फील गिल्टी एट ऑल? ओके। यहाँ से आगे बढ़े, आपके आसपास अंधकार है या प्रकाश देखें? प्रकाश है। कनेक्ट विद दैट लाइट एंड एक्सपीरियंस द लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट। कहाँ जाते हैं आप देखें? मृत्यु के बाद का अनुभव। मैं ऊपर भी और जा रही हूँ।
यस स्पिरिट गाइड मुझे लेने हुए, ओके वो अपना हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं। स्पिरिट गाइड को देखिए कैसे दिख रहे हैं वो। वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ओके आपकी सोल का फॉर्म क्या है? क्या कोई आकार कोई रंग दिखाई दे रहा है अपनी सोल का? सफेद कलर का है, ओके आकार नहीं दिख रहा। ओके ओके आगे बढ़े। यस एक बड़ा सा गेट आया, वहां पे वो लेके जा रहे मुझे। यस एक बेंच जैसा है, उसके ऊपर बैठे हम लोग, ओके और एक बड़ा सा गार्डन है। ओके स्पिरिट गाइड मुझे बोल रहे, ये देखो गार्डन। मैं गार्डन देख रही हूँ, ओके बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने उनको बताया। ओके यस क्या इस समय आपके शरीर में या आपकी प्रेजेंस में आप कोई पेन अनुभव करते हैं? नहीं, यस ओके अपने स्पिरिट गाइड से लेसन लर्न करें। देखिए आप आपके इस जीवन का क्या लर्निंग्स हैं। जो जीवन आपने जिया है उसके लिए क्या सबक है आपकी? उन्होंने बोला कि अपने जो भी पसंद है उस पे अपने आप को हावी ना करें। वेरी गुड आपके स्पिरिट गाइड ने आपको बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आपको जो भी पसंद है उसे खुद के ऊपर हावी ना होने दें। क्या इस मैसेज को आप समझ सकते हैं पूरे तरीके से? हाँ, इसे इंटीग्रेट करें। और इस मैसेज को अपनी करंट लाइफ में अनुभव करके देखें। करंट लाइफ में हर चीजों से उसे रेजोनेट करें। जहां पर आपको अति नहीं करनी है अनुभव कर सकते हैं। हाँ, ओके आपने जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स बनाई है क्या उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? क्या बिलीफ सिस्टम है वो? ज्यादा ठंडा खाने से आपको कफ या सर्दी हो जाएगी जो आपकी करंट लाइफ को इफेक्ट करती है। ये कंप्लीटली उसे ट्रांसफॉर्म करिए और देखिए क्या पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आती है। मैं जो भी ठंडा खाऊंगी उससे मुझे कफ नहीं होंगे। इसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। आई कैन ईट एवरी थिंग इन प्रॉपर बैलेंस। मैं प्रॉपर बैलेंस में हर एक चीज़ें खा सकती हूँ। क्या आप खुद को उस गिल्ट से मुक्त हुआ पाते हैं? हाँ, रिलीज करते खुद को। बच्चे के रूप में जो आपकी गलती थी उसके लिए खुद को माफ कर दे। खुद को फ्री कर दे और खुद को फ्रीडम दे। आप जो चाहें वो खा सकते हैं। और अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होते
अगर उनसे कोई मैसेज हो, कोई लर्निंग हो तो रिसीव करें। नहीं, कोई मैसेज नहीं, वो चले गए। ओके, डू यू फील कंप्लीट नाउ? यस। खुद को विजुलाइज करें वो हर मनपसंद चीजें खाते हुए, जहाँ पर विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी नेगेटिविटी अब वो हर चीजें खा रहे हैं। अपने आप को उस सिचुएशन में देखें। यस। क्या 100% आप सब कुछ खाते हुए खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं? हाँ। उस मोड में खुद को हैप्पी होता हुआ देखें, हेल्दी होता हुआ देखें। बिल्कुल भी किसी प्रकार की शंका ना रहे, कोई झिझक ना रहे, और पूरे एक्सेप्टेंस के साथ अब अपने आप को सब कुछ खाते हुए, प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करते हुए हेल्थ और हैप्पीनेस को पाए। डू यू अंडरस्टैंड योर लेसन? यस। ओके, सो नाउ खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हुए आप इस वर्तमान जीवन में वापस आएंगी। वर्तमान जीवन में वापस आने से पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव एफर्मेशन से फील अप कर लें। फील करें आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप हर प्रकार के गिल्ट से मुक्त हैं, आप खुद को हर तरीके से माफ कर रहे हैं, और आप जो आपको पसंद है उसे खा भी रहे हैं, और हर एक चीजों का बैलेंस क्या है उसे भी समझ रहे हैं। इसी लेसन को लर्न करते हुए आप वर्तमान में वापस आएंगे। अब मैं 1 से 5 की गिनती गिनने जा रही हूँ। हर एक नंबर के साथ धीरे धीरे आप वर्तमान की तरफ वापस आएंगे। 5 नंबर की गिनती के साथ जब भी आप आंखें खोलेंगे, खुद को स्वस्थ पाएंगे, और खुली आंखों से अब आगे से किसी भी चीज़ को खाने से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी, कोई अस्वाभाविकता आप महसूस नहीं करेंगे। आप खुद को पूरा स्वस्थ हुआ फील करेंगे। 1, कीप रिटर्निंग बैक। 2, शरीर से जुड़े। 3, खुद की प्रेजेंस को इस कमरे में महसूस करें, मेरी आवाज़ से जुड़े। 5 की गिनती के साथ जब भी आप आंखें खोलेंगे, खुद को कम्प्लीटली हील हुआ पाएंगे, पूरे शरीर को एकदम शांत और स्वस्थ पाएंगे। 4 एंड 5 योग्य समय लें और अपनी आंखें खोलें। वेलकम। सो क्या लेसन लर्न किया आपने? स्पिरिट गाइड मुझे वहाँ पे कुछ समझा रहे थे, पर वो मैं समझ नहीं पा रही थी, तो फिर उन्होंने ये इतना ही बोला कि जो भी आपको मतलब पसंद है उसको आपके ऊपर हावी ना होने दे। जी, ओके। तो पास्ट लाइफ जो आपने देखी, जो विजन आया, उसमें अगर आप एसेंस निकाले तो क्या चीज़ थी? आपकी आज की जो प्रॉब्लम है उसका कॉज, उसका सोर्स क्या था पास्ट लाइफ में? सोर्स यही था ना, मतलब कफ के बेस पे जो मैंने ज्यादा मात्रा में कुल्फी खाई थी। और बच्चे होने के नाते आपकी जिद थी, और आपको एक्सेस कितना खाना है या कितना नहीं खाना है वो कंट्रोल नहीं था। मृत्यु के समय जब आप छोड़ के जा रहे थे तो इस चीज का भी आपको गिल्ट हुआ कि मैंने इतना अति कर लिया, अब मेरी डेथ हो रही है, दादी अकेली छूट जा रही है। ओके, और उसके बाद गिल्ट के साथ आप इस जीवन में भी जब भी कुछ खाते हैं, वही गिल्ट सबकॉन्शियसली आपको उसी सर्दी या कफ को आपके जीवन में ले आता है। और अगर आपने गिल्ट को रिलीज कर दिया, खुद को फर्गीव कर दिया और बैलेंस सीख लिया, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को जी सकते हैं, या हर एक मनपसंद चीज़ों को खा सकते हैं या अपना सकते हैं। तो एक बिगेस्ट लेसन सिर्फ सर्दी और कफ को लेकर नहीं,
जीवन की हर एक चीजों को लेकर कि किसी भी चीज की अति कभी भी काम की नहीं है, हमें हर चीजों को बैलेंस वे में स्वीकार करना होगा, है ना। चाहे फिर वो आपका किसी चीज का शौक हो, चाहे खाने का शौक हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे गैजेट्स भी क्यों ना हो। अगर बहुत ज्यादा समय अगर हम ऑनलाइन रहते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं या जो बाकी की एप्स यूटिलाइज करते हैं वो भी अति हो जाती हैं, हो सकता है उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आते होंगे कोई ना कोई, है ना। तो एक ही मैसेज लाइफ के कितने एरिया में कनेक्ट हो रहा है और कितने लोगों के लिए ये मैसेज काम का है, जीवन में किसी भी प्रकार की अति काम की नहीं है, है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कैसे करंट लाइफ की हेल्थ सिचुएशन का कॉज पास्ट लाइफ में था। बहुत क्लियर मैसेज मिला इसे कि आपको जो चीज़ पसंद है उसे आपके ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको बैलेंस पता हो, कितना खाना, कितना कोई भी काम करना, कितना ऑनलाइन रहना, कितने गेम्स खेलना या कितनी कोई एक्टिविटीज़ करना, हर एक चीज़ों का अगर आपको बैलेंस पता हो तो जीवन कितना अच्छे तरीके से सफर सकता है ना। ओके, धन्यवाद।